नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोहन भागवत के राम राग की। शिवराज के बहाने गौर को रास्ते से हटानेगी। जानेंगे आजाद भारत का इतिहास क्यों पलटना चाहते हैं पीएम। क्या कौन बनेगा करोड़पति का खेल बन गया है राजस्थान का रण। और आखिर में बात सबरीमाला पर जारी संग्राम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में बीजेपी को लगा जोर का झटका। शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू वघानी को सौंपा त्याग पत्र। रफाल पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। फेसबुक पर लिखा, मोदी ने उद्योगपति दोस्तों की वजह से खतरे में डाली पायलटों की जान। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को व्यवसायियों के लिए ऐप करेंगे लॉन्च। ऐप के जरिए खाली समय में समाज के लिए काम कर सकेंगे व्यवसायी। बिहार में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों को लेकर बीजेपी को चिताया। कहा, पिछली बार के हमारे प्रदर्शन को देखते हुए मिलनी चाहिए 5 सीटें। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में बढ़ेंगी दूरियां। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ लगे नारे। और विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी के दम पर फाइनल में मुंबई। हैदराबाद को हराकर 6 साल बाद फाइनल में खेलेगी मुंबई। पृथ्वी शॉ ने लगाया शानदार अर्धशतक। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आगामी चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण की मांग लगातार तेज होती जा रही है। साधु संतों के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान देते हुए सरकार पर दबाव बनाया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, चाहे इसके लिए सरकार को कानून ही क्यों न लाना पड़े। दरअसल 1925 में विजयदशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तभी से हर विजयदशमी के अवसर पर नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज भी आरएसएस ने विजयदशमी उत्सव मनाया, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर से लेकर सबरीमाला तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लेकिन इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया है, उसने मोदी सरकार की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। भागवत ने कहा कि किसी भी रास्ते से राम मंदिर का निर्माण जरूर होना चाहिए, इसके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि पूरे देश के भगवान हैं, इसलिए किसी भी तरह से उनका मंदिर बनना चाहिए। अगर राम मंदिर बनता है तो देश में सद्भावना का माहौल बनेगा। राम मंदिर का राग अलाप कर भागवत ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर 29 अक्टूबर से रोज सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले ही सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी असहमति जताई। भागवत ने कहा कि सबरीमाला के निर्णय का उद्देश्य स्त्री पुरुष समानता का था, लेकिन आज इस फैसले से वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई। स्थापना दिवस पर भागवत ने देश की सुरक्षा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। हमें इस कदर ताकतवर होना पड़ेगा ताकि कोई हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। वहीं भागवत ने अर्बन माओवाद को लेकर भी आंख दिखाई। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग बंदूक के दम पर सत्ता को हथियाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने राम के सहारे अपनी नया पार लगाई थी, लेकिन अब 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा ही उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब देखना होगा कि इस बार राम जी कैसे करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार। वैसे अभी तो बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी नया पार लगाने में लगी है, इसीलिए वो ऐसे नेताओं का टिकट काटने की तैयारी में है जो उसके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का नाम भी है। आरएसएस ने तो बीजेपी को सीएम शिवराज की आड़ में बाबूलाल गौर हटाने का दांव भी चला है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज और वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर के बीच तल्खियां जग जाहिर हैं। वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर विपक्ष की तारीफ कर बीजेपी से अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि खराब फीडबैक वाले उम्मीदवारों के साथ साथ बीजेपी बाबूलाल गौर का टिकट काटने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को मैदान में नहीं उतारना चाहती, इसलिए गोविंदपुरा से 8 बार के विजेता बाबूलाल गौर का विकल्प तैयार किया जा रहा है। आरएसएस ने तो बीजेपी को बाबूलाल गौर को किनारे करने के लिए शिवराज सिंह का नाम भी सुझाया है। आरएसएस चाहता है कि शिवराज अपनी परंपरागत सीट बुधनी के साथ साथ गोविंदपुरा से भी चुनाव लड़ें। गोविंदपुरा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से पूर्व सीएम बाबूलाल गौर 1980 से 8 बार जीते हैं। अगर बीजेपी गौर का टिकट काटती है तो गोविंदपुरा में गौर समर्थक पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए आरएसएस सीएम शिवराज को मैदान में उतारना चाहता है।
आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीएम शिवराज ने 2 सीटों पर दांव लगाया था। वो बुधनी के साथ साथ विदिशा से मैदान में उतरे थे। विदिशा उनका पूर्व संसदीय क्षेत्र है, लेकिन आरएसएस चाहता है कि इस बार वो गोविंदपुरा से बीजेपी का कमल बचाएं। आरएसएस ने सीएम शिवराज को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का सुझाव देने के साथ साथ मौजूदा 78 विधायकों का टिकट काटने की भी सलाह दी है कि बीजेपी के 166 विधायकों में से 78 का फीडबैक अच्छा नहीं है, इसीलिए नए चेहरों पर दांव लगाया जाना चाहिए। वैसे पार्टी पहले भी ये बात दोहरा चुकी है कि केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन आरएसएस की सीएम शिवराज से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह से साफ है कि वो गौर को किनारे करने की तैयारी में है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। आरएसएस की सलाह से साफ है कि वो सीएम शिवराज के सहारे वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर को किनारे करने की तैयारी में है, लेकिन ये तो चुनाव के वक्त ही साफ होगा कि वाकई बीजेपी गौर का टिकट काटती है या नहीं। लेकिन अगर बीजेपी ने आरएसएस की सलाह मानी तो पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परेशानी कम करने के लिए ही सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए फरमान जारी कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योगी ने मंत्रियों को अपने क्षेत्र में ज्यादा समय गुजारने का निर्देश दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 से 71 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इस बार भी बीजेपी जीत के इतिहास को दोहराने की तैयारी में है, लेकिन बुआ और भतीजे का साथ बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर सकता है। गोरखपुर और फूलपुर दोनों सीटों पर मायावती और अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी को उखाड़ फेंका था। लोकसभा के उपचुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी की हालत सूबे में खराब नजर आ रही है, इसलिए सीएम योगी ने अपनी कमर कस ली है। उन्होंने सभी मंत्रियों की विदेश यात्रा पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के सभी सांसदों से कहा है कि वो अपने प्रतिनिधियों से ज्यादा समय संसदीय क्षेत्र में बिताने को कहें। गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि सभी सांसद और वरिष्ठ नेता आगामी 6 महीने तक अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं और समझाएं। इसके अलावा जनता की फीडबैक भी लें ताकि जरूरी सुधार किया जा सके। सूबे में बीजेपी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि सीएम योगी ने मंत्रियों को ये तक निर्देश दे दिया कि बीजेपी नेता शहरों में जनता से फीडबैक लेने के लिए सरकारी अधिकारियों पर आंख मूंदकर विश्वास ना करें, इसके बजाय खुद क्षेत्र में जाएं और जनता से संवाद करें। इससे सरकारी स्कीमों और सरकार को लेकर जनता के मूड की वास्तविकता का पता चल सकेगा। सीएम योगी के निर्देशों से साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी बुआ भतीजे की जोड़ी से डरी हुई है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। बीजेपी भले ही कहती है कि हमें बुआ भतीजे से डर नहीं है, लेकिन आज सीएम योगी के फैसले से साफ हो गया है कि कहीं न कहीं पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसलिए योगी नियमों को बदलकर मंत्रियों के विदेश दौरे पर रोक लगा रहे हैं। वैसे नियमों और परंपराओं को बदलने की बात है तो उसमें सबसे आगे पीएम मोदी हैं, जो 21 अक्टूबर को आजाद भारत के इतिहास को पलटने जा रहे हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल में दूसरी बार लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। अब तक सिर्फ 15 अगस्त पर ही झंडा फहराने की परंपरा थी। आज से 75 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक वीडियो संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों से जिन शख्सियतों को अनदेखा किया, उनकी सरकार उनके योगदान का जश्न मनाएगी। पीएम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद सरकार की 75वीं जयंती के मौके पर 21 अक्टूबर को लाल किले में आयोजित होने वाले झंडारोहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। यह पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य बल था जिसे जापान की मदद से रास बिहारी बोस ने बनाया था। शुरुआत में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया जो जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हुए। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। अब 21 अक्टूबर को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
दिव्या लाइव की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार अक्सर इतिहास पलटने की बात करती है, लेकिन अब 21 अक्टूबर को पीएम मोदी इस बात को हकीकत में तब्दील कर देंगे। इस पर अब विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आज एक दिलचस्प जवाब तो अशोक गहलोत ने सीएम पद के उम्मीदवार पर दिया। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस किसे सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, तो इस पर उन्होंने राजस्थान के रण को कौन बनेगा करोड़पति का खेल बना दिया। राजस्थान में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कांटे का होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने सारा फोकस सत्ता पर फिर काबिज होने के लिए लगा दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के किले में सेनमारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर्वे भी यही कहते हैं कि अब की बार राजस्थान का रणजीत कांग्रेस करेगी सूबे में वापसी, लेकिन सर्वे भी यह अनुमान नहीं लगा पा रहे कि अब की बार किसके सिर सजेगा सीएम का ताज, यानी कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सीएम पद का उम्मीदवार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सांसद सचिन पायलट के बीच कशमकश बनी हुई है। वहीं जब सीएम पद को लेकर अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने राजस्थान के रण को कौन बनेगा करोड़पति का खेल बनाकर जनता के सस्पेंस को और बढ़ा दिया। दरअसल गहलोत से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि राजस्थान में चुनाव नजदीक है, ऐसे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसके जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में पहले पता नहीं चलता कि करोड़पति कौन बनेगा, वही स्थिति मुख्यमंत्री को लेकर भी है। हम अभी से नहीं बता सकते कि सीएम कौन बनेगा। अशोक गहलोत का ये जवाब सुनकर मंच पर मौजूद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अशोक गहलोत के इस जवाब पर कहा कि इसे बोलते हैं धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। अब भले ही कांग्रेस नेता सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सवाल टाल रहे हों, लेकिन पार्टी में अंदर खाने तो सीएम पद को लेकर घमासान मचा है। जहां एक तरफ अजमेर से लोकसभा सांसद सचिन पायलट के समर्थक चाहते हैं कि वो सीएम बने, तो वहीं अशोक गहलोत के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि चुनाव से पहले किसी को भी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। वहीं अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस राजस्थान में किसे उम्मीदवार बनाती है। दिव्या लाइव की रिपोर्ट। अक्सर नेता कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को गोलमोल कर देते हैं। आज अशोक गहलोत ने भी वही किया, जिसके बाद सीएम पद को लेकर और सस्पेंस खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस की तरफ से कौन सीएम का चेहरा बनता है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले नजर मीटू कैंपेन पर डाल लेते हैं, जिस पर बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक तहलका मचा हुआ है। यहां तक कि मोदी सरकार में मंत्री रहे अंजय अकबर तो इसकी जद में कुछ इस तरह आए हैं कि उन्हें अपना इस्तीफा ही देना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस कैंपेन पर कई सवाल खड़े किए हैं। #MeToo कैंपेन के तहत यौन शोषण के आरोप में घिरे एमजे अकबर को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई थी। अकबर पर लगातार इस्तीफे का दबाव बन रहा था। विपक्ष के साथ ही सरकार के अंदर भी अकबर के खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं। भारी दबाव के बीच विदेश राज्य मंत्री के पद से अकबर ने इस्तीफा दे दिया। वहीं आज इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, जहां एमजे अकबर की वकील गीता लुथरा ने कहा कि मेरे मुवक्किल की कोई गलती नहीं है, जब तक रमानी इस घटना को साबित नहीं कर देती हैं, तब तक उनका ट्वीट अपमानजनक है और वो मानहानि के मामले में आता है। प्रिया रमानी की वजह से एमजे अकबर की छवि को नुकसान पहुंचा है, जिसे उन्होंने 40 वर्षों में बनाया था। इस जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि वो 31 अक्टूबर को एमजे अकबर सहित मामले से जुड़े सभी गवाहों के बयान की जांच करेगा, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ मीटू कैंपेन के दौरान अब तक 20 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसमें पत्रकार प्रिया रमानी पहली महिला है जिन्होंने एमजे अकबर के खिलाफ ट्वीट कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एमजे अकबर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिव्या लाइव की रिपोर्ट। और ब्रिटेन के आखिर में बात सबरीमाला पर जारी संग्राम की। सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं मिल रही है। आज भी महिलाओं ने प्रवेश को लेकर जद्दोजहद की, लेकिन किसी को मंजूरी नहीं मिली। उल्टा प्रवेश के खिलाफ सबरीमाला कर्म समिति के बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलने के बाद लगा था कि सालों पुरानी परंपरा तोड़कर अब लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आईं उससे साफ हो गया है कि कानून पर आस्था भारी है। आज भी महिलाओं को एंट्री नहीं मिली। कुछ महिला पत्रकारों ने मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया। महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ आज सबरीमाला कर्म समिति ने बंद बुलाया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। राज्य में सिर्फ इक्का दुक्का वाहन चलते दिखाई दिए। प्रदेश के निलक्कल, पंपा, एलवाकुलम, सन्निधनम में धारा 144 लागू कर दी गई। इन इलाकों में एक साथ 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते।
वहीं इस बंद को बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन मिला। बीजेपी नेता श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पी गोपाल कृष्णन ने कहा कि सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग करते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि कुछ मंदिरों की परंपरा का जरूर पालन किया जाना चाहिए। जब सालों से परंपरा चली आ रही है तो उसे तोड़ा जाना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को अपने फैसले में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी थी, लेकिन कल मंदिर के कपाट खुलने के बाद से महिलाओं को प्रवेश नहीं मिला है। लेकिन कल प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके विरोध में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस लाठी चार्ज के विरोध में ही आज बंद बुलाया गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।